वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। न्यूरल के 11 के बैट्समैन हम मुअज्जम नकाश आए हैं बैटिंग करने के लिए, उनके साथ हैं अंजर अशरफ और फजल मनान को लाया गया है बॉल करने के लिए। 172 रन का टारगेट है, 120 बॉल पे पूरा करना है यहाँ पर न्यूरल 11 ने। यहाँ पर आउट कर दिया है, बोल्ड किया है यहाँ पर मुअज्जम नकाश। पहली विकेट यहाँ पर फजल मनान। यहाँ पर कट शॉट खेलना चाहते थे मुअज्जम नकाश, लेकिन बॉल पड़कर सीधा ऑफ स्टंप के अंदर और एक पहली विकेट का नुकसान यहाँ पर नॉर्थ 11 को। बगैर किसी रन बनाए मुअज्जम नकाश पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए पहली कामयाबी वल्कानो लायंस को। मून जावेद आए नए बैट्समैन, 117 इनिंग में 2436 रन है, 80 हाईएस्ट रन है इनका, 14 फिफ्टियाँ शामिल हैं इनके टोटल में। फजल मनान अच्छी बॉल यहाँ पर, एक और फजल मनान की जानिब से। अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर मून जावेद ने, रन लेना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग फील्डर की जानिब से। लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की फजल मनान, अभी तक एक विकेट ले चुके हैं, कोई रन नहीं दिया अभी मैडन की तरफ जाते हुए। लास्ट बॉल है, देखना होगा कि अपना ओवर मैडन पे ख़त्म करते हैं या रन आएगा। मून जावेद हैं सामना कर रहे हैं, अब थोड़ा सा उठा कर दिया लेकिन अंपायर का इशारा, रिलैक्स रहे हैं। एलबी क्या अपील की थी, बगैर किसी रन बनाए एक विकेट हासिल किया यहाँ पर फजल मनान ने एक ओवर के अख्ताम पर, एक आउट बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी रन के। सॉरी एजाज अली खान को लाया गया है बॉल करने के लिए।
एजाज अली खान सामना करेंगे अंजर अशरफ। फर्स्ट बॉल फेस करेंगे अभी दूसरे ओवर की शुरुआत। मीडियम पेसर हैं, एक रन वहां पर हासिल किया है। मून जावेद आए हैं स्ट्राइक पर। छः रन के लिए खेल दिया यहाँ पर मून जावेद अपना बैट खोलते हुए। थोड़ा सा फुल टॉस सॉरी बाउंस बॉल की थी और उसे उठाकर पवेलियन की तरफ भेजा है। 8 रन एक विकेट के नुकसान पर दो ओवर के अहतमाम पर नैरो 11। फजल मनान को लाया गया दूसरा ओवर करने के लिए। सामना करेंगे मून जावेद। फजल बनाना अपना दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में उन्होंने कोई रन नहीं दिया है, विकेट हासिल किया है और यहाँ पर मिसफील्ड हुई है। यहाँ पर एक रन लेने में कामयाब रहे हैं यहाँ पर मून जावेद। प्रिंस मुज्जू हैं बॉलर फील्डर। एक रन लिया है यहाँ पर दूसरी बॉल करेंगे। अच्छी बॉल यहाँ पर अंजर अशरफ सामना करेंगे फजल मनान का।
ज़हीर मकसूद हैं बॉल फील्डर, कोई रन नहीं बनेगा। तीन बॉलें कर चुके हैं अभी तक, एक रन दिया है। दूसरा ओवर कर रहे हैं अपना फजल मनान, यहाँ पर ऊंचा खेलना चाहते थे लेकिन स्टंप आउट। यहाँ पर स्टंप आउट किया था लेकिन अंपायर के सिग्नल नॉट आउट, लेकिन क्रीज में मौजूद थे फील्डर। यहाँ पर तीन ओवर किया था ताम पर वल्कानो लाइंस, मेरन 11 नौ रन बनाकर एक विकेट दे चुकी है। यहाँ पर 163 रन चाहिए 102 बॉल पे ये मैच जीतने के लिए। अंजर अशरफ और मून जावेद स्ट्राइक पर मौजूद हैं दोनों। फजल मनान दो ओवर एक रन एक विकेट। मून जावेद 6 रन लिए हैं यहाँ पर। एजाज अली खान अपनी चौथी बॉल करेंगे, सामना करेंगे मून जावेद। यहाँ पर उठाकर खेल दिया है, यकीनी 6 रन होंगे। एक और छक्का यहाँ पर मून जावेद के बैट से आता हुआ। दो बड़ी बाउंड्रियाँ यहाँ पर ले चुके हैं मून जावेद, 9 रन किए हैं 15 बॉलें फेस किए हैं अभी तक। सामना करेंगे एजाज अली खान का,
अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं अभी तक, 1.4 में 22 रन दे चुके हैं। एक अच्छी बॉल यहाँ पर लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की, सामना करेंगे मोहम्मद जावेद एजाज अली खान। सेम लाइन पर बॉल किया लेकिन इस बार कीपर मिस हुए और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर, बाई के 4 रन मिलेंगे। सेम लाइन पर बॉल थी, पढ़कर बॉल अंदर की तरफ गई है और कीपर मिस हुए हैं यहाँ पर और 4 रन मिले हैं एक्स्ट्रा। फजल मदान को लाया गया है तीसरा ओवर करने के लिए, अभी तक 2 ओवर में 1 ही रन दिया है। सामना कर रहे हैं अंजर अशरफ, फजल मदान तीसरा ओवर कर रहे हैं अपना। यहाँ पर ऊंचा खेला है, देखना होगा अच्छी एफर्ट फील्डर की जानब से, बिलाल थे फील्डर लेकिन दो रन यहाँ पर लिए हैं। इरशाद और बिलाल थे दोनों फील्डर। फजल मना तीसरी बॉल करेंगे, सामना करेंगे अंजर, यहाँ पर फिर एक बार मिस फील्ड हुई है कीपर की जानिब से, बाई का रन मिलेगा यहाँ पर 4 रन। शॉट खेलना चाहते थे अंजर लेकिन मिस हुए, बॉल कीपर के ग्लव से निकलती हुई पवेलियन की तरफ वापस, लकी रहे यहाँ पर स्टंप के ऊपर से बॉल गई है। अंजर अशरफ यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा तेज थ्रो आया है और फजल मनान ने डायरेक्ट हिट होती तो करीबी मामला हो सकता था लेकिन सेफ रहे यहाँ पर मून जावेद। पांचवी बॉल करेंगे अपने ओवर, सामना करेंगे अंजर, कट खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए, बॉल कीपर के ग्लव्स में कोई रन नहीं यहाँ पर। लास्ट बॉल करेंगे अपने तीसरे ओवर की, अभी तक 3 रन दिए हैं फजल मनान। सामना करेंगे अंजर अंजर अशरफ। एक 139 रन अभी भी चाहिए 91 बॉल पर मैच जीतने के लिए। यहाँ पर फील्डर को आगे लाया गया है, एक रन यहाँ पर बनेगा 6
पांच ओवर के अहतमाम पर 11 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर, चार रन दिए हैं अपने ओवर में, एक विकेट हासिल की, तीन ओवर कर चुके हैं अभी तक फजल मनान। यहाँ पे नए बॉलर को लाया गया है अजाज को रिप्लेसमेंट में। अजाज को तब्दील किया गया है यहाँ पर और फरीदुल्ला है बॉलर जिनको लाया गया है। पावर प्ले का लास्ट ओवर करेंगे फरीदुल्ला, सामना करेंगे अंजर अशरफ जो कि अभी तक 16 बॉले खेल कर 11 रन कर चुके हैं, और सेम मून जावेद हैं जो कि 15 रन कर चुके हैं 11 बॉले खेल कर। तीन बॉलें कर चुके हैं अभी तक फरीदुल्ला, चार रन दिए हैं छठे ओवर का आगाज किया है, लास्ट ओवर है पावर प्ले का। 5.3 बॉलें हो चुकी हैं अभी तक, 38 रन एक विकेट के नुकसान पर, अभी भी 134 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए, 87 बॉल बाकी हैं। अंदर अशरफ सामना करेंगे फरीदुल्ला का, यहाँ पर अच्छी बॉल और बिहाइंड द ग्लव्स अपील की गई है, लेकिन अंपायर स्टिल नॉट इंटरेस्टेड।
3 over Nurul 11, 51 runs, 2 wicket loss. मूसा आए बैटिंग करने के लिए नए बेस्ट में. अंजर अशरफ जो कि 22 रन कर चुके हैं 24 बॉल पर, 121 रन दरकार हैं 75 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए नोरल 11 को. मूसा कैप्टन नोरल 11 के सामना करेंगे फरीदुल्ला जो कि दूसरा ओवर कर रहे हैं अपना, चौथी बॉल करेंगे. 8 रन देके 1 विकेट हासिल किया है इन्होंने. यहाँ पर सीधी शॉट खेल दिए 4 रन के लिए मूसा. स्ट्रेट बैट से खेला है, लॉन्ग ऑफ आगे लिया हुआ था और उसके ऊपर से 4 रन के लिए.
आसिफ सुल्तान को लाया गया यहाँ पर बॉल करने के लिए, सामना करेंगे यहाँ पर बैट घुमा कर खेल दिया है, चार रन होंगे यहाँ पर फील्डर बॉल के पीछे है। मूसा है बैट्समैन कैप्टन और सामना कर रहे हैं आसिफ सुल्तान का। आसिफ सुल्तान है अपना पहला ओवर कर रहे हैं, अभी तक तीन बॉल पे चार रन दिए हैं। पांचवी बॉल करेंगे अपने ओवर की, सामना करेंगे मूसा, यहाँ पर उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद है यहाँ पर, एक रन बासानी हासिल करेंगे। अंजर अब्बास आए, अंजर अशरफ हैं सॉरी स्ट्राइक पर। लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की, आसिफ सुल्तान सामना करेंगे अंजर अशरफ, 25 बॉलों में 26 रन कर चुके हैं अभी तक, 107 रन दरकार है 67 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए नरल 11 को। अलकानो क्रिकेट एकेडमी लाइंस पहले खेलते हुए 172 रन का हदफ दिया है 20 ओवर में, यहाँ पर ऊंचा उठाकर खेला है, यकीनी 6 रन होंगे, 6 रन के लिए थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया यहाँ पर अंजर अशरफ ने, और
10 ओवर के अहत तमाम पर न्यूनल 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन चाहिए 60 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए। आसिफ सुल्तान है अपना दूसरा ओवर करने के लिए, सामना करेंगे अंजर अशरफ सॉरी मूसा। आसिफ सुल्तान दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे, सामना करेंगे मूसा। ऑफ स्टंप पर दी है और ड्रॉप कर दिया यहाँ पर कैच, ऑफ स्टंप पर खेला था बाहर जाकर और यहाँ पर मिस फील्ड हुई है, 4 रन मिलेंगे। यहाँ पर 1 रन मिलेगा। पर 6 रन के लिए खेल दिया है अंजर अशरफ हैं बैट्समैन।
लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की आसिफ सुल्तान। यहाँ पर ऊंचा खेला है, देखना होगा। और यहाँ पर विकेट लेने में कामयाब हुए हैं आसिफ सुल्तान, अंजर अशरफ। ग्यारह ओवर किया था तांपा न्यूरल अलेवन। माजिद मंजूर आए नए बैट्समैन, 214 इनिंग में 4516 रन हैं इनका, 14 फिफ्टियां शामिल है। ज़हीर मकसूद आए बॉल करने के लिए, अपना दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में 7 रन दे चुके हैं, अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं की। पर मिस फील्ड हुई है, एक रन बासानी हासिल करेंगे मूसा। पचानवे रन कर चुके हैं नूर अलेवन, 96 3 विकेट के नुकसान पर। माजिद आए हैं स्ट्राइक पर।
12 ओवर के अहतमाम पर 11 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर बाकी हैं अभी ये मैच इनिंग के, और नूरुल अलावन को 48 बॉल पे 70 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। प्रिंस मुज्जू को लाया गया है बॉल करने के लिए। पहली बॉल पर विकेट लेने में कामयाब प्रिंस मुज्जू। मूसा आदिल हुसैन आयन बैट्समैन सामना करेंगे मुजाहिद का। अभी तक पहली बॉल पे ही विकेट हासिल की है, दूसरी बॉल करेंगे सामना करेंगे आदिल हुसैन। यहाँ पर एक और विकेट, यॉर्कर लेंथ बॉल और बोल्ड कर दिया यहाँ पर प्रिंस मुज्जू। यॉर्कर लेंथ बॉल की है आदिल हुसैन जो कि नए बैट्समैन थे, समझ न सके बॉल को और अपनी विकेट देखकर बॉलिंग की तरफ वापस लौटते हैं। यहाँ देखिएगा कि यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी
रोकना चाहा लेकिन नहीं रोक सके, बोल्ड कर दिया यहाँ पर। एक और विकेट का नुकसान यहाँ पर नरोन 11 को, आदिल हुसैन। हैट्रिक बॉल करेंगे यहाँ पर मोजू प्रिंस, मोजू आरिफ गिलानी आए हैं, नए बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन है। सामना करेंगे प्रिंस मोजू का, जो कि हैट्रिक बॉल करेंगे यहाँ पर। दो बॉलें कर चुके हैं, दो विकेटें हासिल की हैं। और यहाँ पर एलबी की अपील, लेकिन बैट इन्वॉल्व दे दिया यहाँ पर अंपायर ने। सेम लेंथ बॉल की थी यहाँ पर यॉर्कर लेंथ, लेकिन तीन बॉलें कर चुके हैं अभी तक प्रिंस मोजू, कोई रन नहीं दिया, दो विकेटें हासिल की हैं। सामना करेंगे आरिफ गिलानी, अपने ओवर की चौथी बॉल करेंगे यहाँ पर प्रिंस मोजू। यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर दी है और मिस हुई है कीपर के ग्लव से, यकीनी बाय का एक रन मिलेगा यहाँ पर। माजिद मंजूर आए हैं स्ट्राइक पर। मुजाहिद प्रिंस यहां पर एक रन बआसानी हासिल करेंगे, लेग बाय का इशारा अंपायर की जानिब से। अभी तक मुजाहिद के खाते में कोई रन नहीं। लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की, सामना करेंगे आरिफ गिलानी। 13वें ओवर का खेल जारी, लास्ट बॉल करेंगे प्रिंस मोजू यहाँ पर। अच्छी बॉल, कोई रन नहीं मिलेगा। 13 ओवर के अख्ताम पर निरौल 11 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर का खेल अभी बाकी है।
फरीदुल्ला को लाया गया बॉल करने के लिए। तीसरा ओवर करेंगे अपना, 17 रन दे चुके हैं, 1 विकेट हासिल किए हैं उन्होंने। सामना करेंगे माजिद मंजूर। यहाँ पर एक बार फिर से मिस फील्ड हुई है अंपायर फील्डर से, सॉरी कीपर से। एक और बाय का एक्स्ट्रा रन मिलेगा। यहाँ पर खेल दिया है स्टेट और यहाँ पर थ्रो की है, बहुत तेज थ्रो थी, एक रन बड़ा आसानी हासिल कर। अंपायर डिसीजन देखना होगा अभी के क्या देते हैं, 6 रन या 4 रन फिल्टर से पूछा जा रहा है क्योंकि ये बाउंड्री की फिल्टर की कॉल होती है। अंपायर अभी चार रन यहाँ पर दिए हैं फील्डर ने। फरीदुल्ला अपनी चौथी बॉल डालेंगे यहाँ पर, 62 रन दरकार है 39 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए। फरीदुल्ला सामना करेंगे माजिद मंजूर। यहाँ पे फुल टॉस दी है, 9 बॉल होगी यकीनी और मिस फील्ड कीपर की जानब से। एक और एक्स्ट्रा रन, 9 बॉल पे 4 रन मिलेंगे, 5 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर। ये देखिएगा कि बॉल उड़ती बॉल और कीपर के भी ग्लव से छूट कर सीधी पवेलियन की तरफ आप जाती हुई यहाँ। फ्री हिट मिली है यहाँ पर, ग्यारह रन अभी तक इस ओवर में दे चुके हैं फरीदुल्ला, अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। सत्तावन रन चाहिए 39 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए। नरन 11 को सामना करेंगे माजिद मंजूर। इस बार 6 बॉल, पांचवी बॉल करेंगे अपने ओवर की। फरीदुल्ला सामना करेंगे माजिद मंजूर और यहाँ पर एक एक्सीलेंट क्लासिकल शॉट, यकीनी 4 रन होंगे यहाँ पर। अब तक का महंगा ओवर साबित होता हुआ फरीदुल्ला का, अच्छी ड्राइव के लिए यहाँ पर माजिद मंजूर ने, कोई चांस नहीं फील्डर के पास 4 रन के लिए।
लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की फरीदुल्ला, सामना करेंगे माजिद मंजूर। माजिद मंजूर जीत की कोशा, जीत को साथ करीब लाते हुए 37 बॉल पर 53 रन। आठ इशारिया 6-0 की औसत से रन को लेकर जा रहे हैं, 8.89 की औसत से रन बनाने हैं इनको। कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे अभी तक माजिद मंजूर, 10 बॉले खेल चुके हैं, 12 रन किए हैं। लास्ट बॉल अपने ओवर की फरीदुल्ला करेंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंची बॉल और 9 बॉल तो होगी और यहाँ पर 4 रन सेव किए हैं फील्डर ने। यहाँ पे ओवर हटाया जाएगा क्योंकि 2 बिमर मार चुके हैं। ये रूल है क्रिकेट का कि अगर एक बॉलर 2 बिमर मारेगा तो उसको हटा दिया जाता है बॉलिंग से। डेफिनेटली अब नए बॉलर को लाया जाएगा यहाँ पर। देखना होगा किसकी सिलेक्शन करते हैं यहाँ पर कैप्टन। मेरे ख्याल से अरशाद को लेकर आएंगे क्योंकि अभी तक उसका ओवर नहीं हुआ, लेकिन ही अरशाद को लाया गया यहाँ पर एक बॉल करने के लिए, 9 बॉल। लास्ट बॉल करेंगे इस ओवर की, यहाँ पर चेंज होगा बॉलर अरशाद, 9 बॉल सामना करेंगे आरिफ गिलानी। और के तो और यहाँ पर देखना होगा कि लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट क्योंकि चौदह ओवर के अहतमाम पर नूर अलेवन 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का खेल अभी बाकी और 51 रन चाहिए 36 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए वल्कानो लाइन्स को, और 51 रन दरकार है 36 बॉल पर नूर अलेवन को ये मैच जीतने के लिए, और 5 विकेट चाहिए लाइन्स को। अभी मैच 50-50 पे है, देखते हैं कि कौन जीतेगा ये मैच। एक घंटा 17 मिनट हो चुके हैं इस इनिंग को चलते हुए, अभी भी 6 ओवर बाकी हैं। प्रिंस मुजुगो लाए गए यहाँ पर, लास्ट ओवर में उन्होंने कोई रन नहीं दिया, 2 विकेट हासिल की थी लेकिन 22 रन हुए थे। वो इनके बॉलिंग में काउंट नहीं होंगे, वो कीपर की मिसफील्ड की वजह से रन एक्स्ट्रा बने थे।
दो रन के लिए भागना चाहते थे माजिद मंजूर, लेकिन मना किया आरिफ ने। तरतालीस रन चाहिए 30 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए। अरशाद को लाया गया यहाँ पर बॉलिंग पर। आरिफ गिलानी है स्ट्राइक पर। पहली बॉल करेंगे अपने ओवर की, अरशाद सामना करेंगे आरिफ गिलानी। सनसनी खेज मुकाबला जारी है अभी तक, 30 पे 43 रन। और यहाँ पर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, एक रन बेस फील्ड यहाँ पर, और चार रन मिलेंगे यहाँ पर। अच्छी शॉट खेली थी यहाँ पर आरिफ गिलानी ने, लेकिन मिस फील्ड हुई है यहाँ पर फील्डर की जानिब से। उनतीस दूसरी बॉल करेंगे अपने ओवर की, इरशाद सामना करेंगे आरिफ गिलानी। यहाँ पर अच्छी बॉल और अच्छा अटम्प्ट किया कीपर ने, अच्छी एफर्ट कीपर की जानब से, यकीन सिंगल लेना चाहते थे माजिद मंजूर, लेकिन मना किया आरिफ गिलानी ने। यहाँ पर अच्छी बॉल और एक ही रन पे तफाक करेंगे यहाँ पर बैट्समैन, क्योंकि बेस्ट फील्डर मौजूद है यहाँ पर। आरिफ गिलानी माजिद मंजूर आए हैं स्ट्राइक पर। तीन बॉल बाकी हैं अभी इस ओवर की, 27 बॉल पे 38 रन चाहिए। देखना होगा यहाँ पर एक रन पर इतफाक करेंगे यहाँ पर, चार बॉल पर
6 रन दे चुके हैं अभी तक इरशाद। आरिफ गिलानी सामना करेंगे यहाँ पर, फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनेगा। यहाँ पर इंजरी का शिकार हुए हैं बैट्समैन। अर्शाद 7 रन दे के एक ओवर किया है उन्होंने, अभी देखना होगा। 4 ओवर बाकी है इस इनिंग के। एजाज अली खान को लाया गया यहाँ पर ओवर करने के लिए, 2 ओवर पहले कर चुके हैं, 22 रन दिए हैं। सामना करेंगे आरिफ गिलानी। एजाज अली खान फास्ट बॉल पर सिंगल लिया है यहाँ पर। आरिफ गिलानी ने स्ट्राइक दी है माजिद मंसूर को, जो कि 14 रन कर चुके हैं 16 बॉल पर। एजाज अली खान, ओ अच्छी बॉल यहाँ पर, स्लोर वन डाली है, समझ नहीं सके माजिद मंसूर, मिस हुए, कोई रन नहीं मिलेगा इस बॉल पर।
चार रन होंगे यहाँ पर। एजाज अली खान और यहाँ पर कट खेल दिया है, फील्डर मौजूद हैं, एक रन बआसानी हासिल करेंगे माजिद मंजूर। चार बॉलिंग कर चुके हैं अभी तक, अच्छा ओवर कर रहे हैं, छः रन दिए हैं अभी तक एजाज अली खान ने। दो बॉलें बाकी हैं, तीस रन चाहिए 20 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए न्यूरल अलेवन को। उन्नीस बॉल 30 रन जिस मैच जीतने के लिए नूर अल 11 9.47 का स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ। 19 बॉल 30 रन लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की एजाज अली खान, सामना करेंगे आरिफ गिलानी और ऊंचा खेल दिया यहां पर, फील्डर है नीचे और अरशाद कैच आउट हो चुके हैं यहां पर। आरिफ गिलानी ऊंची शॉट खेली थी लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं गई है और अरशाद दौड़ कर आए और कैच लिया यहाँ पर। पहली कामयाबी यहाँ पर एजाज अली खान को मिली तीसरे ओवर में। तीन ओवर बाकी हैं और 30 रन चाहिए 18 बॉल पे ये मैच जीतने के लिए न्यूरल अलेवन को। सस्टैन फरूक आए हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 602 रन हैं इनके। प्रिंस मुझे को लाया गया ओवर करने के लिए, अभी तक दो ओवर कर चुके हैं, 7 रन दिए उन्होंने, 2 विकेटें हासिल की हैं। सामना करेंगे माजिद मंजूर, फारूक सचनैन फारूक जो है नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है, नए बैट्समैन है माजिद मंजूर। सामना करेंगे मुजाहिद मुझू प्रिंस का। लास्ट 3 ओवर का खेल बाकी,
वो जहाज पे तीसरे ओवर की पहली बॉल डालेंगे, सामना करेंगे और यहाँ पर बोल्ड कर दिया है मुजाहिद प्रिंस, एक और विकेट लेने में कामयाब। नॉक शॉट खेलना चाहते थे, आगे स्वीप शॉट की तरफ गए थे, लेकिन यॉर्कर लैंड बॉल कह सकते हैं इसे आप, थोड़ा सा आगे बॉल किया है यहाँ पर प्रिंस मुजो ने। एक और विकेट अपने नाम की, तीन विकेटें हासिल कर चुके हैं अभी तक। डीप लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे माजिद मंजूर, मिस हुए बॉल सीधा स्टंप में, एक और नुकसान यहां पर निरल 11 को 142 पर 7। आशिक है नए बैट्समैन, 94 इनिंग में 1670 रन हैं इनके, 103 हाईएस्ट है, 650 और एक सेंचुरी शामिल है इनके टोटल में। आशिक सामना करेंगे प्रिंस मोजू का, 7 रन देकर 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, तीसरा ओवर कर रहे हैं। सचिन फारूक का है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, स्ट्राइक पर मौजूद है। यहां पर एक और यॉर्कर लैंड डिलीवरी, लकी रहे बैट्समैन, के पास से होता हुआ कीपर के ग्लव्स में, यॉर्कर लैंड बॉल की थी मुजाहिद प्रिंस, अच्छा ओवर करते हुए अभी तक एक ही रन दिया, एक विकेट हासिल किया है। चौथी बॉल करेंगे अपने ओवर की, सामना करेंगे यहां पर एक सिंगल लिया लास्ट दो बॉल बाकी हैं इस ओवर की, 18वें ओवर का खेल जारी, 14 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए नूरन 11 को 28 रन दरकार हैं। सेकेंड लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की प्रिंस मोजू, 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं 9 रन देकर। यहां पर एक और पकती हुई बॉल और यहां पर एक्स्ट्रा की तरफ जाएंगे, लेकिन कीपर थे यहां पर बैकअप पर। लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की प्रिंस मोजू, सामना करेंगे फारूक,
यहाँ पर ऊंचा खेल दिया है, देखना होगा। अंपायर का इशारा, 6 रन। यॉर्कर लाइन बॉल की थी, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया और पवेलियन के बाहर बॉल। यहाँ पर फारूक लास्ट 2 ओवर बाकी है और मैच जीतने के लिए चाहिए इनको 21 रन 12 बॉल पर। एजाज अली खान को लाया गया ओवर करने के लिए, 3 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट हासिल किए इन्होंने। एजाज अली खान लास्ट ओवर करेंगे, अपना सामना करेंगे आशिक। 21 रन चाहिए 12 बॉल पर। और यहां पर पहली बॉल पर विकेट लेने में कामयाब एजाज अली खान, एक और कामयाबी वोल्कानो लायंस के नाम। 2 बॉलों पे 2 रन ही बना सके हैं आशिक।
छः बॉल पर 12 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। एक विकेट हाथ में नूरुल अलेवन के, वसीम सुल्तान है नए बैट्समैन। फारूक करेंगे सामना, प्रिंस मुजू को लाया गया यहाँ पर ओवर करने के लिए। अपना चौथा ओवर करेंगे यहाँ पर प्रिंस मुजू, सामना करेंगे सचैन फारूक। छः बॉल 12 रन्स, अभी देखना होगा कि मैच किस रुख पे लेकर जाते हैं। प्रिंस मुजू सामना करेंगे सचिन फारूक, यहाँ पर आके निकल कर खेलना चाहे लेकिन फुल टॉस बॉल थी। लास्ट 5 बॉल बाकी हैं, 12 रन्स हैं। यहाँ पर स्ट्रेट खेला है, देखना होगा फील्डर है, यहाँ पर मिस हो गया कैच। कलीमुल्ला थे फील्डर। वसीम सुल्तान आए हैं स्ट्राइक पर, 3 बॉल 4 बॉल बाकी हैं, 11 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। वसीम सुल्तान सामना करेंगे प्रिंस मुजू का, अपने ओवर की 3री बॉल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऊंचा खेल दिया, देख रहा होगा, और यहाँ पर 6 रन के लिए खेल दिया है वसीम सुल्तान ने। यहाँ पर 6 रन, 5 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए नूरुल अलेवन को। 3 बॉल बाकी हैं, अभी भी 1 विकेट चाहिए ये मैच जीतने के लिए। वसीम सुल्तान अभी तक 1 बॉल फेस किया उन्होंने, और यहाँ पर एक और शॉट कर दिया है, 1 ही रन बआसानी हासिल करेंगे। 4 रन दरकार हैं 2 बॉल पर ये मैच जीतने के लिए, 2 बॉल 4 रन। सचिन फारूक आए हैं स्ट्राइक पर, अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान। 8 रन दे चुके हैं प्रिंस मुजू, 4 रन बाकी हैं इस मैच में और 2 बॉल बाकी हैं, 1 विकेट चाहिए लाइन्स को ये मैच जीतने के लिए, और 4 रन चाहिए नूरुल अलेवन को ये मैच जीतने के लिए। पैच सनसनीखेज मराइल में दाखिल, सिर्फ 2 बॉलें फैसला करेंगी कि ये मैच कौन सी टीम जीतती है। प्रिंस मुजू अपनी सेकंड लास्ट बॉल डालेंगे, सामना करेंगे सचिन फारूक, और यहाँ पर आके निकल कर खेला है अरशाद है, 1 रन बनाने देंगे यहाँ पर, 1 ही रन बनाया है। लास्ट बॉल पर 3 रन दरकार हैं। लास्ट बॉल 3 रन, देखना होगा कि रिजल्ट। रिजल्ट बॉल कह सकते हैं आप इसे, पहले 1 6 लगा चुके हैं वसीम सुल्तान प्रिंस मुजू को, सिर्फ 1 बॉल पर 3 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। दोनों टीमों की तरफ से ताबड़तोड़ मेहनत जारी।
लास्ट बॉल करेंगे प्रिंस मज्जू, सामना करेंगे वसीम सुल्तान। 3 रन्स नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। 1 विकेट आते हैं उनके, 1 विकेट लास्ट बॉल है, देखना होगा रिजल्ट बॉल। और यहाँ पर 1 ही रन्स बनाएंगे। यहाँ पर जीत चुके हैं वल्कानो लायंस, लास्ट मराइल में 1 रन से जीते हैं यहाँ पर, सॉरी 2 रन से। 2 लेवल हो सकता था, लेकिन अच्छी एफर्ट दोनों टीमों के दरमियान। नोरल 11 ये मैच हार चुकी है, लायंस ने ये मैच जीता है 1 रन से।